योना दो अध्याय 15 वर्ष तो लेकर 18 दे विच तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। आज जब संसार दे विच असि नजर मारते हैं तो मसीह दी उस सेवकाई नु बिगाड़ दिता गया है, उस स्नेह नु कुचल दिता गया है, सिवाय आशीषा बरकत चंगाइया तो इलावा होर कोई प्रचार रह गया नहीं। चंगयाई कलाम का एक हिस्सा है, हालेलुया चेते रखना चंगयाई की है। यीशु की सारी योजना के विच चंगयाई एक हिस्सा है और यह हुंदी है संसार के विच, लेकिन चंगयाई का मुक्ति के नाल कोई भी संबंध चंगयाई का मुक्ति दे नाल कोई संबंध नहीं है। भुखे हो रज जाओगे उसका मुक्ति दे नाल कोई भी संबंध नहीं। 5000 औरतों के बच्चों तो बिना रज के चले गए तो जो यीशु मसीह नूं फड़िया गया एक भी नजर आया। मैनूं 500 बंदा दे दो ते कहो कि प्रधानमंत्री को आ गल मनाउणी है, मैं मना दूंगा क्योंकि मैं अपना जीवन राजनीति च गुजार रहा है। 500 बंदा किसी भी ऑफिस से बाहर जाके भुख हड़ताल करके बह जाए, प्राइम मिनिस्टर बाहर उठ के आके हाथ जोड़ के कहोगा बाबा जी दसो की प्रॉब्लम है, कमिश्नर तुहानू बाहर आके मिलूगा दसो जी की चाहते हो तुसीं। लेकिन यीशु मसीह फड़वाया गया, एक भी बंदा ये रोटियां खाते हुए ये आशीषां ते बरकतां पाए हुए, इन्हां दे विच 4 दिन का मरिया हुआ लाजर भी शामिल सी, इहदे विच 9 विधवा का मुंडा भी शामिल सी, जैरूस की धी भी शामिल सी, कोई भी शामिल सी, 38 साल का बीमार भी शामिल सी, लेकिन कोई भी यीशु के पिछे आया। यह सारी आशीषा के बरकत वाले से, इन्होंने होर कुछ चाहता, यह सारे के सारे संसार के नाल चलन वाले से, इन्होंने मुक्ति के नाल कोई भी लेना देना। अज मुक्ति का प्रचार घट गया है क्योंकि मुक्ति के प्रचार के लिए बड़ी मेहनत का काम है, बहुत कुछ सीखना पैना है। बीमारों को चंगा करने के लिए कोई कलाम को सीखने की जरूरत थोड़ी है, ये तो सीधा सीधा लिखा गया मरकस की इंजील 16 अध्याय उसकी 16 वर्ष के जेड़ा विश्वास करेगा वह बचाया, विश्वास करने वाले के नाल ये निशान होंगे वह बीमार चंगे करे। ये तो विश्वासी का काम है, फादर का काम थोड़ी है। ईसवियों के खत के जी 5 किस्म की सेवकाई लिखी गई है वो चंगयाई करने वाले का कोई जिक्र लिखा, कईयों रसूल, कईयों नबी, कईयों प्रचारक, कईयों पास्टर, कईयों उस्ताद करके दे दिता ताकि कलीसिया सिद्ध ते संपूर्ण करके मसीह दे हवाले कीती जावे। हालेलुया, चंगाइयां ते विश्वासियां दा काम है, खादम दा काम इस कलाम दे नाल एक शगिर्द नूं कामल करके यीशु दे सपुर्द करना है। लेकिन हुण सेवकाई दा वी नहीं पता लोकां नूं, नबी पास्टर बनिया होया, पास्टर प्रचारक बनिया होया, प्रचारक टीचर बनिया हुआ, उन्होंने अपनी बुलाहट का भी नहीं पता कि मेरे उत्ते बुलाहट कही है, तो जे उन्होंने अपनी बुलाहट का ही नहीं पता तो फिर वह किवें किसी को तैयार करके मसीह दे अगे अर्पण कर सकता है। इसलिए अज सीखण की बड़ी जरूरत है कलीसिया नूं भी ते खादम नूं भी। खादम मुबारक होगा जब सीखता जाएगा, जिधर उहदे मन विच आ गया कि हुण मैनूं सीखण की जरूरत नहीं, उधर समझ लो उहदा डाउनफॉल जिहड़ा शुरू हो गया। असीं अज भी उस्ताद रखिया हुआ सिख रहे हैं, उस्ताद नूं छड्डिया असीं फखर दे नाल अज भी कहिंदे असीं सिखदे पए हां क्योंकि अजे बड़ा कुछ सीखना बाकी है। हालेलुया, ते जल्दी जल्दी असीं विचार करदे जावांगे। तुम ना को संसार ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीवन का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से।
जैसे संसार दिया आशीषा ते बरकतां दी गल करांगे ओदे विच पिता दा कोई भी हिस्सा नहीं है। वो सारा कुछ कितों भला संसार तो आ, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है हमेशा कायम रहेगा। जे कोठी वड्डी मिल गई है ना यसू दे नाम दे, तो तुसीं मर जाना, इत्थे ही रह जाणी है। पौंटी चड्डा पांच स्टेटां दा मालक सी, पांच स्टेटां दे सीएम ओदे अगे आके हाथ जोड़ के खड़े हुंदे सीगे, बाबा जी कुछ दान दिओ। पांच राज्यां दे मुख मंत्री ओदे अगे हाथ जोड़ के खड़े हुंदे सन कि कुछ इलेक्शन फंड सानू दे दो। इको समय दे विच दोनों भरावां ने एक दूजे नूं गोली मार के मार दिता, खरबां रुपये का सब कुछ इत्थे रह गया। संसार दे विच कमाया सी, संसार दे विच इसलिए कहिंदा इत्थे धन ना जोड़ो जिथे कीड़ा खा जांदा है, उत्थे दी वी धन जोड़ो जिथे कोई कीड़ा खावेगा पर संदेश बिगड़ गया, सुनेहा बिगड़ गया और समझ नहीं आता कि हुण करिए की। असीं जदों अमरीका जाने आ साडा तीन चार दिन पेट उत्थे खराब रहिंदा क्योंकि इत्थे दीआं मिलावटी चीजां खाण दा आदी हो चुका हुंदा, फिर उत्थे हजम हुंदीआं। जो उतों इतने आ जाने फिर इतने आके तीन चार दिन पेट खराब रहता क्योंकि फिर असली खाने की आदत पै जाती है, नकली बर्दाश्त होती है। साडा हुण उही हाल हो गया है, जां ते असीं नकली खा खा के असली बर्दाश्त नहीं हुंदा, जां फिर असली कई वारी इन्ना खा लैंदे आ नकली बर्दाश्त नहीं हुंदा। तेरी पहचान दे लई उहने सानूं आत्मा दित्ता अपना कि हर चीज नूं तुसीं पहचान जाओ। इफिसियों 2 अध्याय की 2 ते 3 वचन लिखिया, जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर थे। यसू मसीह चौंद पहला की से भला साडा जीवन संसारिक सी, संसार दे नाल ही साडा नाता। पहला भी ते बाबे दे जाके बरकतां ही मंगदे सी ना, पहला भी बाजारां ते चादरां बरकतां दे लई चढ़ाउंदे सी ना, ते यसू दे कोल भी जे बरकतां दे लई आए हो ते फिर एक मजार दे बाबे ते यसू दे विच कोई भी फर्क। यसु संसार तो ताड़ा नाता तोड़न दे लिए आया, जो अंत तक सहेगा सो ही बचाया। तो साढ़े को एक देर नहीं गरीबी बर्दाश्त होंगी, अंत तक असं कितों जाना। 100 साल का अब्राहम मुबारक अज भी सारे ईमानदारा उसका बच्चा कह जाता कि सारे ओदे पुत्र ने। 100 साल तक भी वह इतराज नहीं करता खुदा के नाल भी तू मैनू औलाद क्यों नहीं दिती। लोग ताने मारते लानत है तेरे जे ऐसे तेरे खुदा के उत्ते जिन्हें तेन बे औलाद रखा हुआ। जे तू कहना वह खुदा आ तो फिर तू बे औलाद कहे नहीं आ, वो कहता इसे लिए मैं बे औलाद हाँ क्योंकि वह मेरा खुदा है, खुदा है मेरा, इसे लिए मैं बे औलाद नहीं। तो जो औलाद दवेगा ना फिर मैं तुम्हें पूछूंगा भी मेरे खुदा ते तुम्हारे खुदा दे विच फर्क की। ते जो औलाद ने दा वादा कीता कहना एक औलाद दा नहीं बल्कि दुनिया दी सारियां कौमां दा बाप सदाई कर तू, जिन्ने भी विश्वासी पैदा होंगे धर्मियां दा ते ईमानदारां दा बाप कहलाएगा तू। यीशु मसीह ने भी आके उस अब्राहम नूं फिर उच्चा कीता कहना सचमुच ए भी अब्राहम दी बेटी आ, सचमुच ए भी अब्राहम दा बेटा आ। कह के मुकरदा नहीं तो असि बेवफा हो जाइए पर फिर भी वो वफादार रहिंदा है। अब्राहम दी जे कमी दे ते तुहानूं मैं दसां तां ते रौंगटे खड़े हो जाणगे। बाइबल नूं तुसीं 1000 वारी भी पढ़िया होवेगा पर तुसीं कदे अब्राहम दीआं गलतियां दे उत्ते विचार नहीं कीता होवेगा, और जैसियां गलतियां अब्राहम ने कीतियां वैसियां गलतियां अज दा ईमानदार भी कर सकदा कर नहीं सकदा। काल पै गया मिस्र दे विच दाखल होना सी, मिस्र दे विच दाखल होण दे लई परमेश्वर दे कोलों पुछिया ही नहीं। अपनी पत्नी नाल सलाह करन बैठ गया कहिंदा जे आपां उहदे अंदर गए तू खूबसूरत है तेरा करके मैनूं मार देंगे ते तैनूं इस करके अंदर आपां जाणे आ ते तू उत्थे जाके कह दी मैं इहदी पत्नी नहीं इहदी मैं की आ भला भैण। किथे गया जी अब्राहम दा खुदा, धर्मियां दा पिता, ईमानदार दा बाप। खूबी खाबी कोई नहीं सी अब्राहम दी, साड़ी भी कोई खूबी है कि
एक ओदी रहमत हो जाती है जब साडे विच खूबियां नजर आउणियां शुरू हो जांदियां वरना खूबी माबी कोई नहीं ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆ ਕਵਾਂਗੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਖੁਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਸਾਰਪਤ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਚੱਲਾ ਆ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆ ਕੰਮ ਮੁਕਣ ਵਾਲਾ ਆ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਟੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਆ ਹਾਲੇ ਲਈ ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਉਹਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਗੁਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਐਸ਼ ਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਅਬਰਾਹਮ ਮੁਬਾਰਕ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੁਬਾਰਕ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਖਬਰਦਾਰ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਛੂਈ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਅੰਸ਼ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਬਜੇ ਨਾਲ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਡਿਆ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪੀਣ ਡਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਤੇ ਅੱਜ ਬੇਗੈਰ ਤੋਂ ਬੇਗੈਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਮਰ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਅਬਰਾਹਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਹਾਲੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਲਾਂਤ ਪਾਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਫਰੇਬ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੁੱਲ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਬਰਾਹਮ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨੇ ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੁਮ ਨਾ ਤੋ ਸੰਸਾਰ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਸਨਸੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਰੇ ਭਈਆ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂਜੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਓਗੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਵੜਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਵਰਸ ਹੈਗੀ ਬਸ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਪੜਾ ਦਿਓ ਬਸ ਪਹਿਲਾ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਤਿੰਨ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰਸਾ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਉਹ ਕਰਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਆ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਆ ਦਫ਼ਨ ਕਰਨਾ ਆ ਹਲੇ ਲੋਈਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਉਣਾ ਆ ਔਰ ਚੇਲੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੇਲਾ ਬਣੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨੰਬਰ ਦੋ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਮਰੇਗਾ ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਮਰੇਗਾ ਨੰਬਰ ਚਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਮਰੇਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਯੁਕਤੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦੀ
ਇਹ ਸੂਰਤਾਂ ਆ ਔਰ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਸਾਫਰ ਯਸੂ ਦਾ ਚੇਲਾ